हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही वो डिज़ाइन है जिसको आज पेंट करके दिखाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ग्रीन पार्ट को बनाएंगे और इस पार्ट को बनाने के लिए हम लिए हैं सैप ग्रीन 21 और पूरे डिजाइन को पेन ब्रश 04 नंबर से बनाए हैं। यानी ये पतला ब्रश है, डिजाइन भी काफ़ी पतला पतला था, सो इस ब्रश का यूज किए हैं इस डिजाइन के लिए। तो सबसे पहले ग्रीन कलर से डंठल और लीफ को फिल कर लेंगे इस तरीके से। इस डिजाइन को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए और ख़ुद भी ट्राई कीजिए, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरीके से लीफ और डंठल को ग्रीन कलर से फिल कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक कलर लेंगे, यानी कि ब्रश के बिल्कुल टिप पे लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक कलर। यदि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेंगे और लीफ के नीचे वाले पार्ट में, यानी कि निचले भाग में थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करेंगे और फिर उसे मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा ब्लैक कलर डंठल के एक किनारे पे भी ऐड करेंगे इस तरीके से और फिर उसे मिक्स कर देंगे। तो जो डंठल होगा या लीफ होगा वो बिल्कुल नेचुरल दिखेगा और पतला पतला लाइन भी बना देंगे ब्लैक कलर से ही लीफ में। तो इस तरीके से लीफ और डंठल तैयार हो जाएगा। ग्रीन पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए फ्लावर बनाते हैं। हम यहाँ तीनों फ्लावर को तीन कलर से बनाएंगे। तो सबसे पहला ये जो फ्लावर है, इसे बनाने के लिए हम ऑरेंज कलर लिए हैं। तो सबसे पहले इसके पंखुड़ी को ऑरेंज कलर से फिल कर देंगे और फिर नीचे के तरफ थोड़ा सा वाइट कलर ऐड करेंगे और फिर उसे मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद की जो पंखुड़ी है उसमें जिधर वाइट कलर लगाए थे पहले वाले पंखुड़ी में, उधर इसमें ऑरेंज कलर लगाएंगे ताकि पंखुड़ियाँ दोनों अलग अलग दिखें। तो इस तरीके से बनाएंगे, फिर नीचे के तरफ वाइट कलर ऐड करेंगे और उसे मिक्स कर देंगे। इसी प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे और सारी पंखुड़ियाँ बना लेंगे। तरीके से सारी पंखुड़ियों को बनाने के बाद बीच में थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। उसमें आप चाहे तो डॉट डॉट बना सकते हैं वाइट कलर से, या फिर नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए सेकेंड डिजाइन बनाते हैं। इसके लिए पंखुड़ी को सबसे पहले रेड कलर से फिल कर देंगे और दो पंखुड़ियों के बीच में जो लाइन है वहाँ थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करेंगे और फिर मिक्स कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
चलिए अब इस डिज़ाइन का थर्ड फ्लावर बनाते हैं। इसके लिए हम ब्लू कलर लिए हैं, स्काई ब्लू है, और शेड देने के लिए वही वाइट कलर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले पंखुड़ी में, आधे पंखुड़ी में ब्लू कलर फिल कर लेंगे इस तरीके से, और फिर नीचे की तरफ वाइट कलर ऐड करेंगे और उसे मिक्स कर देंगे। अब ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अभी रुमाल का किनारा बनाते हैं। किनारे के लिए कोने पे एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाए हुए हैं हम, तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाएंगे जिसे मात्र 2-3 मिनट में आसानी से आप बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन को मात्र 2 ही कॉर्नर पे बनाएंगे। आप चाहे तो इसे 4 कॉर्नर पर बना सकते हैं, पर हम इसे रुमाल में 2 ही कॉर्नर पर बनाए हैं, फिर भी बहुत प्यारा दिख रहा है। चलिए इसके बीच में भी कुछ बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा सिंपल दिख रहा है और बीच में खाली दिख रहा है, तो ये छोटा सा डिज़ाइन बीच में डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से किनारा बना लेंगे। आप चाहे तो इसे 4 कॉर्नर पर बना सकते हैं, हम मात्र 2 ही कॉर्नर पर बनाए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये डिज़ाइन। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, उम्मीद है आप सबको भी ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।